तो कैसे हो मेरे सारे व्यूअर्स, आज मैं आकाश का अपने चैनल के एक और नए व्लॉग में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। और आज के इस व्लॉग में यार घर बैठे बैठे ना भड़क होगी, तो मैंने अभी अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछा कि कुछ खाने चलते हैं, तो उसने मेरे को एक नई जगह सजेस्ट करी जहाँ पे 100 रुपये में थाली मिलती है अनलिमिटेड, मतलब कितना ही कुछ खाओ कितनी मर्जी डलवाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मैं उसी थाली को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मैंने सोचा मतलब खा भी लेंगे और वीडियो भी बना लेंगे, तो चलो फिर आपको सीधा वहीं लेके चलता हूँ। तो इस जगह की थोड़ी बहुत भाई लोकेशन के बारे में मैं आपको समझा दूँ, तो ये सामने है अयोध्या चौक और ये जो रोड है सीधा जा रहा है रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पे, तो इसी रोड पे ये पड़ता है और कोने का स्टोर है रेड कलर की, इसकी पूरी थीम आपको मतलब दूर से ही हाईलाइट हो जाएगा। और भाई इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये देख लो, ये बेसमेंट में है पूरी जगह और यहाँ ऐसे मतलब लाइटिंग कर रखी है दोनों साइड पे मिरर, सामने प्रोजेक्टर डीजे का पूरा सेटअप का सेटअप रखा है सामने की साइड। और अगर मैं आपको ठीक अपने राइट हैंड साइड पे दिखाऊं तो एसी फुली एयर कंडीशनर है पूरा का पूरा, और ये आप पूरी की सीटिंग देख सकते हो, मतलब काफ़ी बड़ी सीटिंग, आराम से काफ़ी जने बैठ सकते हैं। और इसी जगह की एंट्रेंस पे ये सैनिटाइजिंग मशीन रख रखी है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इस बात पे तो भाई थम्स अप। और यार वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, आपको सीधा मेन्यू पे लेके आ जाता हूँ, और तो मेन्यू ये आप पढ़ लो, ये है इनकी स्पेशल थाली जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, और ये पूरा का पूरा मेन्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। और भाई साहब मेन्यू इतना बड़ा है, मतलब इतना सारा तो मैं आपको पढ़ के भी नहीं बता सकता, इसलिए मैंने वीडियो की थोड़ी स्पीड स्लो कर दी है ताकि आप आराम से पढ़ सको, हर चीज़ की प्राइसिंग चेक कर सको। प्राइसिंग जो है वो सारी की सारी नॉमिनल है, पूरा का पूरा मेन्यू आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो ये आराम आराम से आप सब कुछ पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, तो ये देख लो विद माइक प्रॉपर डीजे सेटअप लगा रखा है मिक्सर वगैरह के साथ, और ये स्पीकर, बाकी एंड में ये है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे गाने वाने पूरे टाइम चलते रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस रेस्टोरेंट की कि फूड वेस्टेज करने में 50 रुपये का फाइन, तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छी। तो जिस वजह से आप वीडियो को भाई देख रहे हो उसका आपको मैं दिखा दूं कि हमारे को थाली में मिलती है दाल मखनी, और इसकी कंसिस्टेंसी देख लो काफ़ी सही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतली है या कुछ। और शाही पनीर, शाही पनीर भी काफ़ी गाढ़ी है, बाकी पापड़ रायता और रोटी और चावल। अब क्योंकि हमें बज गए थे 4-5 बज गए थे शाम के, तो हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसा टेस्ट वेस्ट करके तो कुछ ऐसे बताया नहीं, बाकी खाने का जो टेस्ट था वो बहुत बढ़िया था हिसाब से। 100 रुपये में आप जितना मर्जी रिफ़िल करवाओ, कुछ मर्जी, जो जितनी भी आपको ये आइटम मिली हैं, जितनी भी सारी आपने थाली में देखी, तो उस सब के हिसाब से ये मतलब टेस्ट वाइज भी, और जैसा कि मतलब ये सारा एम्बियंस है मेन चीज़, तो एसी में बैठ कर अपना आराम से 100 रुपये में पेट भर के खाना खाओ अपने मज़े से। ये हमने अपनी थाली खत्म कर दी है,
जिक्र दिया भैया का अभी तक खत्म नहीं हुआ। कैसा लगा? बढ़िया। तो अब हम इस जगह के ओनर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं और किस लिए क्या सोच के खोला था और कितना टाइम हो गया इन्हें। तो सर भैया, इसका हमने नाम रखा है स्मार्ट मम्मी। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारी मदर घर पे ये नहीं पूछती कि बेटा कितना खाना खाओगे कितना नहीं खाओगे, तो हम लोगों ने भी 99 अनलिमिटेड यूँ रखा कि भाई एक बार बंदा बैठे, थाली उसके सामने आ गई, फिर उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तू रुक जा, बस ये है कि वो जो उन्हें चाहिए वो डिमांड करे और हम उन्हें देते जाएंगे। उसके बाद पैसे नहीं है 99 के बाद, पहला तो ये कंसेप्ट है हमारा। 100 रुपीज़ का जितनी भी मेरी थाली है जिसके अंदर शाही पनीर है, दाल मखनी है, रोटी है, मतलब आपका रायता है, चावल है, पापड़ है, ये सब कुछ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं खुद भी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये उसके बाद अनलिमिटेड आप फिलिंग करा सकते हैं। इसमें ब्रेड के भी अलग पैसे नहीं है, जनरली लोग ब्रेड का पैसा करते हैं, लेकिन हम इसे कह रहे हैं कि अनलिमिटेड ब्रेड्स आप ले सकते हैं, सिर्फ 99 ही देने हैं आपने मुझे, जितना मर्जी खाइए आप। और आपकी मेन मतलब USP क्या है कि मतलब आपके ही पास क्यों आए, कोई और कहीं ना जाके? भैया कहीं और कोई जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो खाना खाने की कोशिश करता है तो मिनिमम थाली 110 रुपये की लेता है, और उसके बाद हम तो 10 रुपये बढ़ा के बोल रहे हैं क्योंकि हम तो खुद खाते हैं। ठीक है, चाहे वो रोड साइड पे भी खा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात दूसरी चीज़ हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमारे पास इतनी खूबसूरत सिटिंग है कि ऐसी सिटिंग किसी के पास नहीं है इस रेट के अंदर। अगर कोई 100 रुपये में इसी के अंदर बढ़ा के खिला रहा हो तो मैं भाई साहब सीधी सी बात है उसके रेस्टोरेंट पे जाके उससे भी बात करूंगा और पूछूंगा कि भाई और मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट मैंने नहीं देखा जो 100 रुपये अनलिमिटेड के अंदर इतना सब कुछ खिला रहा हो। या पूरा हमने कोशिश करी कि यूज़ करें, और सैनिटाइज़र मशीन लगी हुई एंट्रेंस पे, आप बेशक एक बार दिखा देना जा, यहाँ पे लड़के हैं सबका सारा खाना ढका हुआ है। ठीक है, प्रॉपर ढंग से सर्व हो रहा है। यहीं पे हमने अपनी गर्म बीन बेरे लगा रखी है जिसके अंदर फ्रेश फूड आपने अभी खाया के देखा है, अभी सब चीज़ें हैं। सो कोशिश है कि जहाँ तक हम कर सकें वो कर सकें, बाकी तो देखो भैया कोई भी परेशानी या कोई भी चीज़ आनी हो तो भगवान, हम उससे रोक नहीं सकते। अब कोविड आ गया, कौन चाहता था कोविड आए? ठीक है, तो हम भी ऐसे नहीं चाहते कि कहीं भी किसी के साथ कोई भी अन्यथा हो, लेकिन सब भगवान के हाथ है, बाकी हमारी कोशिश है सब कुछ अच्छा करने की। सर थैंक यू सो मच, मतलब आपने सबके लिए इतना सोचा। तो भाई आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना।